दोस्तों, वेलकम टू आरवी एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपका आरपीएससी का यूआरओ का सिलेबस है। इस सिलेबस में हम बात करेंगे आज इस सेक्शन की, जो सबसे लास्ट में है ना, सेकंड वाले पेज पे, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स में राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स आएंगे। उसके बाद में ये खेल कूद स्पोर्ट्स तो आता ही है, जो इंपोर्टेंट संगठन है ना वो आएंगे, स्थान आएंगे, चर्चित व्यक्ति। तो इस करंट अफेयर वाले सेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण बुक लॉन्च हुई है, जिसे हम बूस्टर बुक लॉन्च देते हैं अपने कपिल चौधरी सर के द्वारा। मैं आज उस बुक के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। ये सामने रही है आपकी बुक। इस बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है, राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, खेल, राजस्थान बजट का सार और फ्लेक्सिप योजनाएं, सब कुछ है। और सबसे इंपोर्टेंट बात है, आरएएस पीएसआई के लिए भी फायदेमंद होगी और यूआरओ के लिए तो रामबाण सिद्ध होगी। इस बुक को अपन ओपन करते हैं तो देखिए, यहाँ पे ये सारा इंडेक्स देख लीजिए आप। वन लाइनर्स, चर्चित स्थल, प्रमुख पुस्तकें, परियोजना, मिशन, नियुक्तियां, निधन, खेल, साइंस टेक, युद्धाभ्यास, इंटरनेशनल इंडेक्स, ये सूचकांक आ गए, पुरस्कार आ गए, राजस्थान के आ गए, फ्लेक्सिप आ गए और राजस्थान का बजट का सार और टू द पॉइंट, तो आपको पता ही है, वो तो आने ही है। इसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट बात है, ये भी यूआरओ की जो पार्ट बी के लिए बुक आई थी उसकी तरह क्या है, हैंड रिटन बुक है और बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बनाई हुई है। और इस बुक में आप जो भी इंपोर्टेंट सेक्शन है, कपिल सर की यूट्यूब पर क्लासे रहती है करंट की, उनको लेके आप यहाँ पर हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं चीजों को। बिल्कुल मात्र 150 रुपए की बुक है, ज्यादा नहीं, और काफी मोटी भी है, पतली बुक नहीं है। तो ये बुक ले आइए और कम से कम 10-15 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के आएंगे एग्जाम में, तो वो एकदम मतलब 10-15 क्वेश्चन का मतलब है 100% में से 90% करंट अफेयर इसमें से आप ये मतलब कवर कर सकते हो। तो इस बुक के बारे में बता रहा था। और इस बुक का आपको पता ही, जो मैंने पहले लॉन्च कर दिए पार्ट बी के लिए, पार्ट बी यानी जो नगरपालिका के एक्ट वगैरह है ना उनके लिए, तो ईओआरओ के लिए ये दोनों बुकें रामबाण सिद्ध हो चुकी है और आप एग्जाम के बाद में भी देख लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।